रेडी टू लर्न मेटामेरिज्म? लेट्स स्टार्ट। क्या होता है मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो कंपाउंड्स का सेम होगा पर उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। मेटामेरिज्म वो आइसोमर्स दिखाते हैं जिनके पास नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। टर्मिनल मतलब लास्ट में, तो नॉन टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप कहीं बीच में होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स लेकर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का अंतर सीखते हैं। आओ देखो, इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से देखो तो यू विल रियलाइज कि इसमें दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज दिस, इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। और ये जो दूसरा पार्ट है जो कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इट इज कॉल्ड कार्बन चेन। तो इस कंपाउंड में तुम देखोगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके एक ही साइड पर कार्बन चेन प्रेजेंट है। कार्बन चेन इज ऑन ओनली वन साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप्स मॉलिक्यूल के लास्ट में या कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब ऐसे ग्रुप को इमेजिन करो जिसमें कि कार्बन चेन दोनों साइड पर हो, फिर हम उसको क्या कहेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे सामने एक एथर मॉलिक्यूल है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है ये ऑक्सीजन एटम। नाउ इफ यू लुक केयरफुली तो लेफ्ट साइड में भी हमारे पास एक कार्बन चेन है और राइट साइड में भी एक कार्बन चेन प्रेजेंट है। इसका मतलब इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर कार्बन चेन्स हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। एक और एग्जांपल इसका हो सकता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कार्बन एटम के दोनों साइड पर हम कुछ अटैच कर सकते हैं, या 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन्स, जिसके दोनों साइड पर कोई चेन प्रेजेंट हो सकती है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को कहते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, और मेटामेरिज्म ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप्स शो करते हैं। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स शो मेटामेरिज्म। तो आओ देखते हैं मेटामेरिज्म कब दिखाई देता है और कैसे इसको चेक करते हैं। इन दो कंपाउंड्स पर फोकस करो। पहले वाले कंपाउंड में 4 कार्बन एटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन एटम्स हो गए और एक ऑक्सीजन एटम, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O। सिमिलरली सेकेंड वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है C4H10O। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया बट इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये किस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? बिकॉज देयर इज ओनली वन चेन, इसलिए ये चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते, ये पोजीशन आइसोमर्स भी नहीं कहलाएंगे, और फंक्शनल ग्रुप भी यहां सेम है तो ये फंक्शनल आइसोमर्स भी नहीं है। देन व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर्स आर दे? तो हम यहां मेटामेरिज्म की बात करते हैं। अगर इस फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड पर देखो तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 2 कार्बन एटम, राइट? और इस साइड पर भी 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। दूसरे वाले कंपाउंड में जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर हम ध्यान देंगे तो लेफ्ट में 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और राइट में 1 कार्बन एटम। ऐसा ही केस जहां पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन एटम्स का जो क्वांटिटी है या जो नंबर है दोनों मॉलिक्यूल्स में अलग अलग होता है, उसी को हम कहते हैं मेटामेरिज्म, और इन कंपाउंड्स को बोलते हैं मेटामर्स। फर्स्ट वाले कंपाउंड में लेफ्ट में 2 कार्बन और राइट में भी 2 कार्बन है, जबकि सेकेंड वाले कंपाउंड में लेफ्ट में 3 कार्बन एटम्स हैं और राइट में 1, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये कीटोन्स। इस सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट पर 2 कार्बन एटम है और राइट पर भी 2 कार्बन एटम है, जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर में लेफ्ट में 3 कार्बन एटम्स
और राइट में एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो गाइस दिस इज मेटामेरिज्म। अगले वीडियो में हम लोग टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।